हे गाइस हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। फ्यू थिंग्स है, कुछ चीज़ें अबाउट सोशल मीडिया एंड स्टफ रिलेटेड टू इट। कुछ मुझे बातें करनी थी, जितना मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हेवीली यूज़ करता हूँ, सभी हैंडल्स ट्विटर फेसबुक इंस्टा वट एवर, तो उससे कुछ मैं सीखा हूँ, उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। मतलब आजकल जो कुछ सभी का इशू चल रहा है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिला, देन लर्न इट एंड लेट मी नो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा, मैंने इसके पूरे के पूरे नोट्स पोस्ट कर दिए हैं, जस्ट मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा। सी, जस्ट डू वन थिंग, एक काम कीजिए, दो कैटेगरीज बनाइए, जिन चीज़ों को आप फर्स्ट कैटेगरी में आइए, जिन चीज़ों को आप एडमायर करते हो, जिन चीज़ों को आप लाइक करते हो, जिन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, जिसके जैसे आपको बनना है। सो व्हाट एवर इट इज, अगर स्पोर्ट पर्सन रहेगा, जो कुछ आपकी चॉइस है, कोई MPSC UPSC, जो कुछ व्हाट एवर इट इज, जो कुछ आपको बनना है, संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोस रहते हैं, वो भी यूट्यूब पे रहते हैं, वो भी हम देखते हैं, तो वो एक लिस्ट बनाइएगा, टेक अ पेन, टेक अ पेपर, नोटबुक एंड राइट इट डाउन, आपको जो कुछ फॉलो करना है, जस्ट कामली रिलैक्सली सुबह मॉर्निंग में उठिए एंड राइट इट डाउन। वन थिंग फर्स्ट वो हो गया, उससे रिलेटेड लोगों को फॉलो कीजिए सोशल मीडिया में, जो कोई भी हो, इस कंट्री से हो, बाहर की कंट्री से हो, व्हाटएवर हूएवर इट इज, फॉलो कीजिए। एंड सेकंड थिंग, सेकंड लिस्ट बनाइए, जिन लोगों के साथ आप बात करना पसंद करोगे, जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करना पसंद करोगे, नॉर्मल पीपल, जो कोई आपकी सोसाइटी में यहाँ आप रहते हैं, व्हाट एवर इट इज, हूएवर इट इज। सो ऐसे दो लिस्ट बनाइए। अभी नेक्स्ट आते हैं, जिन लोगों को आप फर्स्ट लिस्ट में आपने पेन से लिखा है, फर्स्ट लिस्ट में अपने जो आपके आइडल्स हैं, आपको आप जिनको आइडलाइज करते हैं उनको फॉलो कर रहे हो, तो डेली आप उनके पोस्ट देखते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली एक मैप बनता जाता है ब्रेन में, हाँ ओके, इस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं, इस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं, उन लोगों ने इस तरह से किया तो मैं अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो एक आपको डेली अपडेट मिलता जाएगा। दूसरी चीज़ है, आपको थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप पीपल्स के बारे में एक लिस्ट सिंपल सी बनाती हूँ, इसके साथ बात करना है, उसके साथ बात करना है, सोशल मीडिया का मतलब क्या है, सोशल मीडिया किस लिए है, टू इंटरेक्ट विद पीपल, सिंपल एज दैट, नॉर्मल सी डेफिनेशन है इसकी, इंटरेक्ट विद न्यू पीपल, बात करने के लिए, जिनको हम जानते हैं उनसे बात करने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सिंपल। सो ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल यू लाइक, यू वॉन्ट, और कर सकते हो देन डू इट, अगर नहीं हो सकता है देन लीव इट, मूव ऑन एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विद नेक्स्ट पर्सन, जिसके लाइक्स आपके जैसे हो, जिसके फेवरेट्स आपके जैसे हो, जस्ट डू दैट, सिंपल एज दैट। बस इतनी चीज है, किसी भी जगह पे स्ट्रक होके मत बैठो, दैट्स द वन थिंग। अनदर वन थिंग अबाउट सोशल मीडिया, देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, सोशल मीडिया है आपको एक्सप्रेस करने के लिए, आपके लाइक्स, आप जो कुछ करते हो डेली एक्टिविटीज, जो आप कुछ आपका जो कुछ रखते हो, लाइक्स, एक्टिविटीज, फन, वट एवर यू डू इन योर डे, वट एवर यू डू इन योर लाइफ, जस्ट उसको एक्सप्लोर करना, एक्सप्रेस करना और उसके बारे में पोस्ट करना, इसके लिए सोशल मीडिया, ना कि किसी को इम्प्रेस करना, दूसरों को इम्प्रेस, दूसरों को कॉपी वो लोग करते हैं जो अंदर से एम्प्टी होते हैं। अगर आप अंदर से एम्प्टी हो, अगर आपको अंदर से पता ही नहीं है आपको क्या करना है, किस तरह से लाइफ को डायरेक्शन में लेके जाना है, तो आप अंदर से एम्प्टी हो, खाली हो, तो आप दूसरों को कॉपी करते हो, यही पे मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। आप कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो, आप डेफिनेटली डिप्रेस हो जाते हो, सिंपल एज दैट। देखो, सीखो, अंडरस्टैंड करो, और अगर आपको अच्छा लगता है देन ट्राई टू अप्लाई इट इन योर लाइफ इन योर ओन वे, ना कि कॉपी करके। यही सोशल मीडिया का एक ड्रॉबैक बन रहा है, उसकी वजह से सभी लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया एडिक्शन है, सोशल मीडिया डिप्रेशन है, ये वो व्हाटएवर। मैंने बहुत सारे प्रीवियसली भी वीडियोज़ बनाए, बहुत सारे इनके ऊपर बहुत बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, अगेन आई एम मेकिंग दिस, क्योंकि न्यू पॉइंट मुझे कुछ याद आया, कुछ समझ में आए इसके लिए। सो ये है कि आप जितने अंदर से खाली रहोगे, उतना ज़्यादा आप दूसरों को कॉपी करोगे और उतना ज़्यादा आप डिप्रेस होगे। सो नो दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड नो यूर सेल्फ, खुद को जानो, पहचानो, खुद के लाइक्स, खुद की जो कुछ करने की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को जानो, पहचानो और उसके साथ में अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दो। अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, लाइफ इज टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस यूर सेल्फ एंड पोस्ट ऑल द स्टफ ऑन सोशल मीडिया। सिंपल सी थिंग है, नॉट टू इम्प्रेस एनी वन, नॉट टू कॉपी एनी थिंग ऑफ एनी वन। इफ यू आर डूइंग दिस मैन, यू नीड अ हेल्प।
आई विल से, मैं इतना ही बोलूँगा, आपको मदद की ज़रूरत है अगर आप ऐसा कर रहे हो. तो मैंने कुछ कोट बनाया इसके बारे में, इससे रिलेटेड. या मोर सॉर्टेड यू आर, लेस कन्फ्यूज यू आर, लेस कॉपी पर्सन यू आर, लेस वल्नरेबल यू आर, लेस डिप्रेस्ड यू आर, लेस मेस्ड अप यू आर, एंड लेस स्ट्रेस्ड अप यू आर, एंड मोर जॉयफुल एंड मोर सॉर्टेड यू आर. सी गाइस, सॉर्टेड होना मतलब क्या है हिंदी में, सिंपल वर्ड में क्या है कि सिंपल, लेकिन आपको परफेक्ट पता होगा कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. दैट्स इट. अगर आपको पता नहीं है, आप सॉर्टेड नहीं हो, सॉर्टेड शब्द का अगर मीनिंग आपको पता नहीं, प्लीज़ ऑनलाइन गूगल पे देख सकते हो या फिर डिक्शनरी में चेक करो. सॉर्टेड, SORTED, सॉर्टेड मतलब सुलझा, इन सिंपल वर्ड्स. वो सुलझा बनने के लिए, सुलझा खुद के थॉट्स को, खुद के प्लान्स को बनाने के लिए आपको ज़रूरत है बस एक ही चीज़ की, वो है पेन एंड अ पेपर, नोटबुक, वॉट एवर इट इज. लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, कुछ संदीप माहेश्वरी सर का रिसेंट वीडियो था, मुझे उस वीडियो का टाइटल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बस एक 5 to 10 days बैक का वीडियो है. उसमें उन्होंने बताया, ब्रो देर इज टू मच इम्पोर्टेंस टू राइटिंग एंड रीडिंग. आपको अगर पता नहीं है तो जाओ गूगल करो, गूगल पे देखो. अगर आपको पता नहीं है तो जाओ जाके यूट्यूब पे सर्च करो, रीडिंग का वैल्यू क्या है, किस तरह से रीडिंग मतलब पढ़ना एंड राइटिंग आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है. ये साइंस है, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ फनी थिंग, ये मजाक नहीं है, इट्स अ साइंस. आपके लाइफ को राइटिंग मतलब जो कुछ आपको फील होता है लिखना, और पढ़ना जो कुछ आपको चीज़ें पसंद है वो पढ़ना, इससे आपके ब्रेन का न्यूरल सिस्टम नेटवर्क जो है किस तरह से प्रभावित होता है, इम्पैक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है गाइस. प्लीज़ विल हेल्प योर सेल्फ. यहीं से सोशल मीडिया का पूरा मेरा एक जर्नी ये हो गया, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ आपको. प्लीज़ सॉर्ट आउट, सुलझा लो अपनी चीज़ें लिख के. फिर वो कोई भी चीज़ हो, किसी को फॉलो करना है, किसी से बात करनी है, नहीं बात करनी है, या फिर आपके लाइफ के प्लान्स क्या है, एम्स क्या है, गोल क्या है, कुछ भी रहने दो, जस्ट सॉर्ट इट आउट, सिंपल एज दैट. वंस अगेन आई विल से, मोर सॉर्टेड यू आर, लेस कन्फ्यूज यू आर, लेस कॉपी पर्सन यू आर, लेस वल्नरेबल यू आर, लेस डिप्रेस्ड यू आर, लेस मेस्ड अप यू आर, लेस स्ट्रेस्ड आउट यू आर, and more joyful and more happy you will be, simple as that. Try to live in moment, moments को collect करो, memories में जाके अटक मत जाओ. ये दो अलग चीज़ें हैं, moment collect करते जाना और memories में जाके अटक जाना वहीं पे, don't do that. बहुत different चीज़ें हैं, try to understand. अच्छे अच्छे moments collect करना और memories में जाके अटक के उधर ही अटक जाना, दो different चीज़ें हैं. Please try to understand this. Help yourself and please use a pen and paper. Write your all problems, all things. Sort them out and take action in your life. Or kuch quote hai mere paas. Let's see. Kahan pe gaya? Quote tha mere paas. Bahut acha. Maine mere khud ke ye ki hue quote hai. Main likhta hu beech beech mein mujhe jo kuch pasand aata hai wo. Whatever it is. अगर मुझे बीच में जब भी लगेगा तो मैं आपको एक जब भी कभी भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा या फिर कुछ रिव्यू करूंगा, किसी मूवी का ट्रेलर वगैरह कुछ भी मुझे अच्छा लगता है उसको मैं रिव्यू करूंगा, तब मैं डाल दूंगा, तब आप देख लेना. सिंपल एज है. सो गाइस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट सोशल मीडिया. पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाए हैं, आपको चाहिए तो आप जाके देख सकते हो. और लेट्स इंटरेक्ट. बताओ मुझे किस नेक्स्ट वीडियो पे आपको अगर लगता है मैं रिव्यू करूँ, और ऐसी चीज़ें चाहिए जो मुझे कुछ पसंद आए, या फिर जिससे कुछ सेंसिबल चीज़ें बने, कुछ सेंस बने, या फिर जिससे कुछ हम सीख सकते हैं, हम लोगों को कुछ अच्छा बता सकते हैं, ऐसे सेंसिबल चीज़ें बने, ऐसे मुझे वीडियो सजेस्ट कीजिए, टॉपिक सजेस्ट कीजिए, उसके ऊपर मैं कुछ अपना थोड़ा बहुत रिसर्च करूँगा, खुद का बहुत थोड़ा बहुत स्टडी करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा. थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. जो मैंने मूवी सजेस्ट की है प्लीज़ जाके जाइए देखिए. पोलर रहने दो, आर्कटिक रहने दो, उसके बाद में
13 आवर्स द सीक्रेट सोल्जर ऑफ बेंगाज़ी रहने दो, द बिग बैंग थेरी सीरीज रहने दो, मैन सिटी रहने दो, फुटबॉल रहने दो, स्पोर्ट्स रहने दो, क्रिकेट रहने दो, वट एवर इट इज, जस्ट वॉच, एंजॉय एंड हैव फन. और मैंने एवेंजर्स के बारे में भी मेरा एक ओपिनियन बताया है, रियल एंड ऑनेस्ट ओपिनियन बताया है. प्लीज़ मुझे प्लीज़ जाके देखिए और कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज एंड ओपिनियन प्लीज़ प्लीज़ बताइए. थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में. से पीस, टेक केयर.